राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बीच बेजुबानों का पेट भरने का तिगड़ी थाने में तैनात एक सिपाही ने बीड़ा उठाया है। रोजाना शाम को अपनी ड्यूटी पूरी कर यह सिपाही अपने घर नहीं जाता, बल्कि सीधा उन बेजुबानों के पास पहुंच जाता है जो पूरा दिन भूखे प्यासे सड़कों पर खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। उनका पेट भरने के लिए सिपाही रोहतास कुमार खाना लेकर रोज शाम को पहुँच जाते हैं। आम दिनों में आम पब्लिक करते हैं जी, अब जैसे लॉकडाउन में तो लॉकडाउन में कोई भी नहीं आ पाता। तो आपको ये डर नहीं लगता कि जंगली जीव जंतु आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते? नहीं सर, ऐसे नहीं, जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। आप आवाज़ देते हैं और ये दौड़े चले आते हैं। चले आ गए, हमने देखा कि अभी आपने आवाज़ दी और आपको पहचान और भागे चले आए। तो क्या आपसे डर नहीं रहे? लगातार यहाँ आते रहते हैं जी सर, सप्ताह में 2-3 दिन आता हूँ जी। ड्यूटी ऑफ होने के बाद में कोरोना महामारी जिस तरह से चल रही है सर, तो ऐसे में बचाव के लिए भी काफ़ी कुछ कहा गया है कि बचाव भी करना है। आप ड्यूटी भी करते हैं और ड्यूटी के बाद आपका घर भी है, लेकिन आप ड्यूटी के बाद यहाँ चले आते हैं इन जानवरों को देखने के लिए, इन बेजुबानों को देखने के लिए? सर इनका कोई ध्यान नहीं रखता लॉकडाउन के होते हुए, तो इसलिए आना पड़ता है सर। कांस्टेबल रोहतास का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के बाद से घर जाते समय वह रोज खाली सड़कों पर जानवरों को भूखे प्यासे भटकते देखते थे, जिसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें खाना खिलाया जाए। बस तभी रोजाना रोहतास नील गाय और बंदरों का पेट भर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन है और इस स्थिति में जो बेजुबान जानवर हैं वो भी बेहद परेशान हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुलिसकर्मी है जिनका नाम रोहतास है, तिगड़ी थाने से हैं। और देखिए यहाँ पर जो बेजुबान जानवर हैं इनके लिए ये केले लेकर के पहुँचे हैं। और इस लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो बेजुबान जानवर हैं, बंदर हैं, नील गायें यहाँ पर घूमती हुई नज़र आएंगी आपको, इनको लेकर के यहाँ पर ये खाने के लिए केले पहुँचे हैं। और ऐसा ये एक दिन नहीं करते बल्कि ये अक्सर करते हैं, जिस दिन से लॉकडाउन है उस दिन से रोहतास कुमार इन बेजुबान जानवरों का दर्द महसूस कर रहे हैं और कम करने का काम कर रहे हैं। आइए रोहतास कुमार जी से बात करते हैं कि कैसे वो अपनी ड्यूटी भी करते हैं और साथ ही इन बेजुबान जानवरों की जो भूख है। भाई थोड़े बचाना, मुझे भी करना है, दो चार बचा लेना, मुझे भी करना है। सर रोहतास जी बताइए, आगे जाइए सर। रोहतास जी कैसे आप अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं लॉकडाउन में और कोरोना महामारी को देखते हुए साथ ही इन बेजुबान जानवरों का भी दर्द कम कर रहे हैं? इनका सर ये है कि ये किसी को बता नहीं सकते अपनी मजबूरी, आम दिनों में तो आम पब्लिक कर देता है इनकी सेवा जी। अब इस टाइम पे कोई नहीं आ रहा तो इनको हफ्ता में 3 दिन जी ये केले डालना और गायों को चारा। सर आप खड़े रहिए सर। सर आप ड्यूटी भी कर रहे हैं ऐसे? हाँ ड्यूटी सर। कोरोना जो संकट छाया हुआ है देश में जी सर, सुबह ड्यूटी करते हैं शिफ्ट वाइज और शिफ्ट के बाद में इनका ध्यान रखते हैं जी। यहाँ पर हमने देखा है कि नील गाय भी जो है वो भी केले खा रही हैं, बंदर भी केले खा रहे हैं। बिल्कुल खाते हैं। तो आप यहाँ अक्सर डेली डालने के लिए आते हैं? सप्ताह में 3 दिन सर डेली आ रहे हैं, सप्ताह में 3 बार ड्यूटी भी कर रहे हैं और ऐसे नहीं है जी सर। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर जो रोहतास कुमार जो हैं वो तिगड़ी थाने में तैनात हैं और इस बीच ड्यूटी भी अपनी निभा रहे हैं, बादस्तूर जो बेजुबान जानवर हैं उनका भी दर्द कम करने का काम कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली की पुलिस वाकई दिल की पुलिस है। मोहम्मद अजीज, समाचार टुडे, दिल्ली।